फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम मणिपुर के बारे में पढ़ेंगे। मणिपुर ये सेवन सिस्टर का एक स्टेट है, जो जिसका नाम है मणि प्लस पुर, यानी कि इंडियन ज्वेल बिटवीन नागालैंड एंड मणिपुर। इस मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें 80% लिटरेसी रेट है और इसमें 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इस मणिपुर की इकोनॉमी मेनली फॉरेस्ट्री, टूरिस्ट और ट्रेडिंग पे डिपेंड करती है। फॉरेस्ट्री में यहाँ पे बैम्बू और ओट, लीची, पियर ये सब होते हैं। टूरिस्ट यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे फेमस लोकटक लेक है और तरह तरह की सराउंडिंग्स हैं, हिली एरियाज हैं और मणिपुरी डांसेस हैं। तो यहाँ पे टूरिस्ट भी काफ़ी अच्छे आते हैं। ट्रेडिंग यहाँ पे इसलिए इम्पॉर्टेंट है, रोल प्ले करता है, क्योंकि ये गेट वे है टूअर्ड ईस्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मोरेह टाउन और तमाऊ टाउन है, जो एक गेट वे को रिप्रेजेंट करता है, जो इंडिया और म्यांमार को कनेक्ट करता है। यहाँ पे अगर बाई रोड है, बाई रोड जो रूट निकल के आता है, तो वो है एक सिलचर से आता है, 37 37 है जिस नेशनल हाईवे का नाम, और ये इम्फाल को कनेक्ट करता है। दूसरे नंबर पे ऐजवाल है। ऐजवाल से जो निकल के आता है 306 है, वो बाद में एशिया हाईवे 2 बन जाता है, वो इम्फाल को कनेक्ट करता है। और इम्फाल से जो गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ ईस्ट है, उसको कनेक्टिंग जो कर रहा है वो 102 है। ये जो मोरे है, जिसको जो गेटवे को रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया और म्यांमार के बीच में, तो ये मोरे जो जगह है वो चिंडविन रिवर के पास में ही है। ये चिंडविन रिवर एक म्यांमार और इंडिया का जो मणिपुर स्टेट है उसके पास में फ्लो करता है। यहाँ पे माउंटेन हिल्स की बात करें, तो माउंटेन हिल्स जो नागालैंड में जो माउंटेन्स जो है रेंज, जिसको नागा हिल्स के नाम से जाना जाता है, जो मैं नागालैंड के वक्त में आपको बताऊंगा, तो नागा हिल्स से दो तरीके के रेंजेस निकलती हैं। सबसे पहला है जो अरुणाचल प्रदेश के तरफ जाता है, और दूसरे नंबर पे जो मणिपुर के तरफ आता है। तो मणिपुर के तरफ जो आएगा, तो उसमें से एक है बरायल रेंज और दूसरा है लीथा रेंज। बरायल रेंज का जो मेन माउंटेन हिल है वो माउंट आईएसओ के नाम से जाना जाता है, और लीथा रेंज जो नीचे पड़ता है टुवर्ड साउथ, तो वो उसमें है लंगपन माउंटेन रेंज है। अच्छा, इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लेक लोकटक है, जो फ्रेश वाटर झील है, वहाँ पे जो हिल है वो है थैंग जिंग हिल। और इम्फाल जो है मणिपुर का कैपिटल, वहाँ पे जो हिल है वो है थैंग जिंग हिल। इस मणिपुर में और कुछ खास ये माउंटेन हिल्स नहीं है, यही है मेन मेन। यहाँ पे मेन रिवर्स की बात करें, तो रिवर्स यहाँ पे जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो है इरिल रिवर। फिर उसके बाद आता है मणिपुर रिवर। मणिपुर रिवर सदर हिल से निकलती है। फिर है बराक रिवर। बराक रिवर जो है बरायल रेंज से निकलती है, जो आज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसमें और फोक डांसेस की बात करें, तो फोक डांसेस यहाँ पे मणिपुरी है, रासलीला है और पोंग चोलम है। इस पोंग चोलम को मृदंग कीर्तन भी कहते हैं। यहाँ पे मेन मेन जो ट्राइब्स हैं, तो वो तीन हैं। सबसे पहला है मैती ट्राइब, दूसरा है नागा ट्राइब, तीसरा है कुकी जो ट्राइब। यहाँ पे हाइडल पावर स्टेशन भी है दोस्तों। हाइडल पावर स्टेशन में सबसे पहला है खुगा डैम। खुगा डैम खुगा रिवर के पास में है, ये लोकटक से थोड़ा सा दूर पड़ता है। फिर दूसरे नंबर पर लोकटक के पास में ही हाइडल स्टेशन है। फिर है तीसरा NHPC टरबाइन रूम।
यहाँ पे नेशनल पार्क सिर्फ एक ही है, उसका नाम है कैबू लैमजाओ नेशनल पार्क। और इस मणिपुर में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है लोकटक लेक। ये लोकटक लेक फ्रेश वाटर झील है, ये फ्लोटिंग, यहाँ पे फ्लोटिंग आइलैंड भी होता है। आप देख पा रहे हैं जैसा कि इस इमेज में आपको दिख रहा है। तो ये सब जो जानकारी थी ये मणिपुर के लिए थी। होप आप सबको ये सब पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करें। आगे और भी आएंगे ऐसे ही वीडियो। थैंक यू फ्रेंड।